मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है तो मैं सबसे पहले बाबा साहिब अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश करता हूं। इसलिए कि मैं जाती तौर पर बाबा साहिब अम्बेडकर को बहुत चाहता हूं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा, मगर मेरा मानना यह है कि जो अंबेडकर को मानता है, चाहता है, जो अंबेडकर को समझता है और जो गोडसे को और सावरकर को मानता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग गोडसे को मानते हैं, उन्होंने ही उस नफरत की आइडियोलॉजी पर महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। गोडसे डरता था, सावरकर डरते थे एक जईफ बूढ़े आदमी से, और जाकर गोडसे ने उसको गोली मार दी। जो गोडसे को मानते हैं वो इख्तदार और ताकत को हासिल करने के लिए दंगा भी करा सकते, वो किसी को मार भी सकते, वो किसी इबादतगाह को शहीद भी कर सकते, मगर जो अंबेडकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो अंबेडकर के पैगाम को समझते हैं, वो अपनी पूरी लड़ाई संविधान की चार दीवारी में रहकर लड़ते हैं। चाहे उन पर एंटी नेशनल का उन पर इल्जाम लगा दिया जाए, मगर वो कभी भी संविधान से आगे नहीं बढ़ते।